साथियों, मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ चुकी है और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना है, अंदर भी आप इस तरह की एकता रखेंगे। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो जवाब है। अकेले हम पत्थर हैं, अकेले हम पत्थर है, मिल जाए तो इमारत है। अकेले हम पूजा है और मिल जाए तो इबादत है। तो मेरा आपसे सबसे कहना है कि चुनाव के अंदर जबरदस्त के अध्यक्ष बेटी बचाओ का जिस प्रकार से राजस्थान में संकल्प हुआ है, वो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के नेतृत्व में बहुत ही शानदार, आपके चेहरों की खुशी आज झलक रही है, आपके चेहरों का आनंद आज प्रकट हो रहा है, आपकी खुशी आज छिपाए नहीं छुप रही। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। माननीय मुख्यमंत्री ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, राजकीय कॉलेज के रूप में तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ युवाओं को कि वो आए और मुकुट पहना करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। किसान मोर्चा के हमारे अध्यक्ष और सभी मंडलों किसान मोर्चा के हमारे प्रतिनिधि जो हल भेंट का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जिस प्रकार से 4.5 साल कर्म के साथ रहे हैं, जिस प्रकार से संकल्प के साथ रहे हैं, जिस प्रकार से प्रतिबद्धता के साथ गुलदस्ता भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अजय सिंह जी केरल पूर्व प्रदेश हमारे राजस्थान के राज्यसभा के सांसद श्री राम नारायण जी डूडी साहब, बागड़ा के विधायक हरियाणा से श्री सुखविंदर जी, विधायक नोहर, जिलाध्यक्ष बलबीर जी और जिला प्रमुख श्री कृष्ण जी चोटिया, हमारे सब मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, संगठन के सब पदाधिकारीगण, सब मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले आज आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हो, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सुबह सुबह आप लोग आए, घर छोड़ करके आए और इतनी संख्या में आके आपने मुझे ताकत देने का काम किया, इतने सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। इस तरह में आज के आप लोगों ने आके यहाँ हम सब की हौसला अफजाई करने का काम किया है, मैं धन्यवाद आप सबको देना चाहती हूँ और मैं आपके आज इस करणी माता की भूमि को प्रणाम करना चाहती हूँ। गोगामेड़ी के इस बहुत ही पवित्र भूमि को छू के प्रणाम करना चाहती हूँ और संत खेता के ब्रह्म तलाई आश्रम, संत प्रबल जी की कुटिया और कटपात्री जी महाराज की धर्म संघ महाविद्यालय, इन सबको आज याद करना चाहूंगी इसके कार्यक्रम को चालू करते करते। मैं बधाई दूंगी आपको कि कृषि पशुपालन और दुग्ध पालन के अंदर आपका क्षेत्र आगे है, सब क्षेत्रों से आगे अगर है तो भादरा क्षेत्र है और मैं आपको उसके लिए बधाई देना चाहती हूं। पिछले 2 दिन से मैं आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ इस इलाके के अंदर और कुछ बीकानेर मैं घूम रही हूं। कई लोगों ने आके मेरे को ये चिंता जताई कि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर ठीक नहीं होंगे तो हमारे लिए बड़ा कष्ट का समय है।
इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल के ऊपर 4% वैट के ऊपर कमी करते हुए कल हमने पैसे कम करने का काम किया भाइयों, जिसका फायदा आप लोग सबको मिलेगा। पेट्रोल के अंदर 30% से घटा के 26% और 22 से घटा के 18% आपके डीजल के अंदर हुआ, और मैं मानती हूँ कि इसकी वजह से आप लोगों के यहाँ 2.5 रुपए प्रति लीटर पैसा कम होने का काम हुआ है, जिसका फायदा भी आप लोगों को इस क्षेत्र के अंदर मिला है, जिसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ कुछ भाई हमारे अलग अलग जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और अलग अलग जगह पे ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो हमने भारत बंद कराने का नारा दिया और आज इसकी वजह से पेट्रोल का दाम घटाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से आप लोगों की बात मेरे कान तक आ रही है और मैं एक महीने से देख रही थी कि पेट्रोल और डीजल के अंदर उतार चढ़ाव चल रहा था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि हमारे किसान, हमारे विद्यार्थी, हमारी माता और बहने, हमारे नौकर शाही जो इधर से उधर जाते हैं, जिनको गाड़ियां इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको अपने मोटरसाइकिल से स्कूटर इस्तेमाल करना पड़ता है, इन सब का सोचते हुए इस सरकार को ध्यान देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को लाने नीचे लाने का काम करना पड़ेगा ताकि हमारे जनता को और किसानों को उसमें आराम मिलेगा। आपको याद दिलाऊंगी कि एक जमाना था जब कांग्रेस के नेता जो भूल रहे हैं, जब पेट्रोल की कीमतें 56% से ज्यादा हुआ करती थी और डीजल की कीमत 60% से ज्यादा थी, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2008 के अंदर गैस का सिलेंडर 280 रुपए था और 2013 के अंदर ये सिलेंडर 380 रुपए तक, 390 रुपए तक पहुंचने का काम इसका हो गया था। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके और माता और बहनों के दुख और दर्द को समझते हुए उन्होंने 37 लाख महिलाओं को राजस्थान के अंदर मुफ्त गैस 380-390, गरीब जनता को, गरीब महिला को अब खरीदने की जरूरत नहीं है, कईयों को है, जिनके लिए हम सब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज बड़ा नाटक चल रहा है पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर भी बड़ा नाटक चल रहा है। हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे लाते हमारे व्यापार संघ ने जयपुर के अंदर और सब ये कह दिया कि हम तो अब एक कोई भारत बंद के अंदर अपना टाइम लेना नहीं चाहते, और इसी तरीके से पेट्रोल वालों ने सबने कहा कि हम अपने पेट्रोल पंप खोल के रखेंगे। और इसीलिए मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि भारत बंद तो राजस्थान के अंदर तो होने वाला है नहीं, और आने वाले समय के अंदर मेरा आप लोगों से इतना ही हाथ जोड़कर के निवेदन है कि हम उस चीज को याद करें कि जब कठिनाई आती है ऐसे समय में सरकार को उसको ध्यान में देते हुए अगर अपनी जनता को वो मदद करते हैं तो आने वाले समय के अंदर वो परिवार और मजबूत हो जाता है, उसको मजबूत करने का काम हम लोग मिलकर कर रहे हैं, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसके साथ साथ भाइयों, हमने खाली पेट्रोल और डीजल के ऊपर आपको नहीं छोड़ा, हमने किसानों को भी याद किया और हमने ध्यान किया कि 50 साल से किसान हमारा बहुत ही कमजोर हालत में था, वो लघु और सीमांत कृषक जो था उसकी हालत कमजोर थी, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि 9,000 करोड़ रुपए का पैसा देते हुए इसका फायदा मिला और इसके कैंप आज भी हो रहे हैं। मैं ये कांग्रेस वालों से पूछना चाहती हूँ कि अगर ये करना चाहते थे तो ये 50 साल में आसानी से कर सकते थे। एक देवीलाल जी थे जिन्होंने ये काम करके 10,000 रुपए तब माफ कराने का काम किया, और अब राजस्थान की सरकार है जिसने 50,000 रुपए माफ करके गरीबों को अपना इस देश के अंदर सबसे ज्यादा नंबर एक प्रदेश राजस्थान अब बन जाता है। उसी तरीके से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके विभाग ने मिलकर ये कोशिश की कि जहां बीमा का सवाल है उस बीमा के सवाल में सहकारिता की ओर से हम 50,000 रुपए नहीं देंगे जैसे
मैं तीन बात तो आपके सामने कह दी। एक गौरव यात्रा इसलिए क्योंकि समय पर किसान के दर्द को समझने का काम किया और उस समय पे जो पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे लाने थे उसको लाने का काम हमने किया, उस पे हमें गर्व है। हाँ, और दूसरी बात हमने कहा गैस, गैस के दाम ऊपर नहीं, हमने 37 लाख लोगों को गैस का छुटकारा देने का काम किया और महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री देने का काम किया, उसके ऊपर हमको गर्व है, हमें गर्व।